भीलवाड़ा जिले के बदनोर कस्बे में थाना प्रभारी के खिलाफ बढ़ता आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बदनोर के बाशिंदों ने गुरुवार को एक प्रतिनिधि मंडल भीलवाड़ा भेजकर जिला प्रशासन से थाना प्रभारी को बदलने की मांग की। जिला परिषद उप जिला प्रमुख रामचंद्र सेन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने बदनोर थाना प्रभारी को नहीं बदला तो वह अपनी पीड़ा जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि 10 मई को दो युवकों को बेबुनियाद आरोप लगाकर रात भर थाने में बंद रखा और मारपीट की। इसके विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार को कस्बा भी बंद रखा था। घटना हुई बदनौर में 10 तारीख को। हमारे बैंक मैनेजर साहब एक कार्यक्रम से घर जा रहे थे और दो लड़के सिकंजी पी रहे थे, सोडा सिकंजी पे। उनको बिना कारण के पकड़ करके उनको गाड़ी में डाला, उनके साथ मारपीट की, बिना निर्दोष लोगों को बंद कर दिया। उनको मेडिकल करवाया गया और मेडिकल भी फर्जी मेडिकल कराया गया। 12 तारीख से 10 तारीख की घटना को लेकर 12 तारीख से हम सब लोग लगे हुए हैं। उसके बाद भी प्रशासन बदनौर बंद भी रखा, ज्ञापन भी दिए, फिर भी हमारी कोई सुनाई हो नहीं रही, जबकि निर्दोष हैं। मेरे साथ वो लड़के भी हैं जो